वेलकम टू चौधरी मोबाइल जोन पाक पतन। नोकिया का एक फ़ोन है, नोकिया 210। इसका रिंगर का प्रॉब्लम आ रहा था, तो सबसे पहले इसका रिंगर उतार लेता हूँ। ये पहले काफ़ी शॉपकीपर ने इसको रिपेयर किया हुआ है। ये रिंगर मैं इसका उतार लेता हूँ। ये देखिए, ये जम्पर लगे हुए हैं, उसकी हर चीज़ उतार दी गई है, कैपेसिटर रजिस्टर सब कुछ। तो आज इसको देखेंगे कि ये क्यों रिपेयर नहीं हुआ, और इसकी लाइनें किधर किधर है। इधर से लेके पावर आईसी तक हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मोबाइल को हम ऑन करेंगे। मोबाइल को एलसीडी लगा के सबसे पहले मोबाइल को ऑन करेंगे। उससे पहले ये बोर्ड की कंडीशन, मतलब किसी ने अभी रिपेयर नहीं किया, ये देखें कुछ भी रिपेयर नहीं हुआ वो। तो चलो मोबाइल को हम ऑन करते हैं, तो टाइम जाया गया अभी किए बगैर हम इसको चेक करते हैं। ये नोकिया आ गया, इसके हम रिंग ट्यून ट्यून वगैरह चेक करेंगे, चलाएंगे और वोल्टेज चेक करेंगे रिंगर के पॉइंट पर, क्योंकि जीआर अगर ओके हो तो उसके बाद भी ना चले तो वोल्टेज चेक करने पड़ते हैं। इधर से मैं कोई भी ट्यून चला लेता हूँ। मेरी हर वीडियो का मतलब आप दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाजमी लेके आना होता है, तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो भी चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसे उनका भी फ़ायदा हो और हमारी भी हेल्प हो सके। एक तो ये ट्यून चल गई, अभी हम मल्टीमीटर से इसके पॉइंट की वोल्टेज चेक करेंगे। इस पॉइंट पर देखते हैं 3.6, 3.7, इधर 3.9, ये काफ़ी हाई वोल्टेज है, मतलब रिंगर चलाने के लिए ये, इससे रिंगर नहीं चलेगा। 2.8 के करीब होने चाहिए वोल्टेज, 2.0 से 2.8 के करीब, तो ये बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी वजह से भी रिंगर नहीं चलता। तो चलें इसको निकालते हैं पावर आईसी को। इस हालत में मोस्टली पावर आईसी ही डैमेज होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जनरेट कर रही है वोल्टेज ज़्यादा। एक बार आप रिबॉल करके लगा सकते हैं, अगर चल जाए तो ठीक, वरना चेंज करनी पड़ती है। तो मैं इसको निकालता हूँ और आपको पॉइंट ट्रेस के बताता हूँ कि ये पॉइंट किधर से कनेक्टेड है। इस तरह आपने मूविंग करते जाना और आईसी को निकाल लेना। आईसी निकल गया, थोड़ा सा क्लीन कर लिया। देखिए 3, 2, 5 पॉइंट इसके निकल गए हैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए होते हैं, इनकी कनेक्टिविटी नहीं है साथ, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है। अभी इधर से ये पॉइंट दूसरी साइड पर कनेक्टेड है, ये दो पॉइंट सेम उसके बैक पर, और इससे आगे किधर कनेक्टेड है ये कन्फर्म करने के लिए मैंने ये सारी वीडियो बनाई है। ये इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ये दोनों पॉइंट, ये इस लाइट कीपर लाइट के इस ऊपर ये दो पॉइंट हैं, इसके ऊपर ये दो पॉइंट है, और इससे आगे पावर आईसी के नीचे किधर है वो भी अभी आपको चेक करवाऊंगा, ताकि आपसे कभी ये पॉइंट टूट जाए या वैल्यू ना आए तो आप इधर से कनेक्ट चेक कर सकते हैं, कनेक्टिविटी आए तो इधर से जंपर कर सकते हैं। अगर इधर भी ना आए तो आप पावर आईसी निकाल के रिबॉल करें, अगर फिर भी ना आए तो चेंज करें। मैं इनकी कनेक्टिविटी चेक करवाता हूँ आपको, ये कनेक्टेड हैं भी या नहीं।
इस पॉइंट को चेक करते हैं, मल्टीमीटर भी मैं साइड पे शो कर देता हूँ। ये देखो ये बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब ये पॉइंट दोनों कनेक्टेड है। तो इससे आगे ये पावर आईसी में जाते हैं, किधर किधर कनेक्टेड है थोड़ा सा मज़ीद वाच कर लूँ। और फिर आपको बताता हूँ। ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ये दो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट रिंगर के पॉइंट हैं, जो कि ये दोनों हैं, ये दो दो किया 210 में। ये दो रिंगर के पॉइंट हैं जो डायरेक्ट इधर से कनेक्टेड होते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।